संडे तो जल्दी। जैसे कि देख सकते हैं कि हमें एक छोटा सा प्यारा सा पपी मिल गया है। ऐसे पानी मांगे तो भाई बोलता है पानी नहीं मिलेगा, बोले कुत्ता को देना है। अरे भाई बहुत मस्त है ये तो, अरे बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, बना सकते हैं, बहुत अच्छा है, तो हम लोग मेला में खरीदे थे। और कुछ देर रखने के लिए मम्मी बोली है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए। और अभी हम लोग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ PMCH के पास से। चलिए कहाँ जा रहा हूँ दिखाते हैं, चलो आओ। ये देखिए आशु भाई हम ज्वाइन कर चुके हैं, ये नया हेयर कट। ये कहाँ से है? ये है बस घर में काट लिया अपने। बहुत बढ़िया काट लिया, मेरा भी काट देगा। पैसा लगेगा 5000 रुपया। अरे बाप रे बहुत महंगा है। चलिए चलते सस्ता बढ़िया टिकाऊ जगह। और गाइस ये नज़ारा देखो यार PMCH का, तो उतना भीड़ नहीं है, अच्छा है, खाली खाली। यार हम तो चाहते हैं सब जगह खाली रहे, किसी को आने का जरूरत ना पड़े। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बाल कटवाने के लिए। चलिए अभी तो हम लोग सुबह सुबह आ चुके हैं। कैसे हैं भैया? एकदम बढ़िया। तो सुबह सुबह पहुंच गए हम लोग 9 बजे। हमको लगा था खुला ही नहीं होगा, खुल गया। संडे है ना, संडे को सुबह सुबह जल्दी खोल देते हैं ना, 7:30 ही बजे। तो चलो यार हेयर कटिंग वगैरह कराते हैं। गाइस हेयर कटिंग वगैरह करा लिए, बहुत ही बढ़िया काटे हैं भैया यहाँ आकर, मतलब हमेशा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो थैंक यू भैया सो मच। और उस दिन तो हम चले गए थे, बुरा नहीं हमारे पे। चलो ठीक है यार चलते हैं। सो गाइस यार कटिंग तो करवा ली यार, सही में बहुत ही बढ़िया काटे भैया, मतलब उनको पता है कि कैसा कट होना चाहिए। पूरा बियर्ड वगैरह भी बढ़िया से सेटिंग करके काटे हैं, मूंछ वगैरह भी। और हेयर तो यार उनका बोलने कुछ बात ही नहीं है, साइड से भी आप देख सकते हो पूरा एकदम परफेक्ट कटिंग है। चलते हैं अब यहाँ से, बहुत भूख लगा हुआ, सुबह से कुछ नहीं खाया और अभी एडिट करके अपलोड करना भी बाकी है। चलिए जल्दी चलते हैं। तो ये लोकेशन आपको तो दिखाई दी है, लुक्स हेयर कटिंग, फ़ोन नंबर वगैरह देख सकते हैं आप, यहीं पे हम हमेशा आते हैं। चलिए एकदम स्मार्ट लग रहे हैं यार, कहाँ घुसा रहे चाहिए। किधर से लगेगा तो किधर से, जैसा बोलिए जनाब, दोनों साइड लगेगा। सो गाइस समय हो गया है देखिए 10 बजे, हम लोग एग्जैक्ट बैठे थे 9:05 में। भैया का हमेशा 1 घंटा लगता ही लगता है, पूरा टाइम देते हैं। ये नहीं कि संडे है तो जल्दी जल्दी निकाल के कस्टमर से पैसा लो, ऐसा कुछ नहीं भैया का, बस टाइम देके बढ़िया काटते हैं, इसीलिए हम यहीं पे आते हैं भाई। गाइस हमें यहाँ घूमते घूमते कोलानगर में भाई लोग मिल गए हमारे, आदित्य भाई, आपका नाम? सुमित। कहाँ घूम रहे हो? दुर्गा पूजा के बाद घर में बैठने में मन नहीं लगता क्या? आप हैं कुसुम विहार के गेट के पास। सो गाइस ये देखिए हमें एक छोटा सा प्यारा सा पपी मिल गया है, यहाँ पे घूम रहा है, बेचारों को देख के दया आ गया यार। देखिए कुत्ता का बच्चा लोग में जरा सा भी ये नहीं होता है कि मन में खोट, कोई भी देखा बुलाता है प्यार से चल जाता है। इधर इधर इधर, थोड़ा गंदा तो होगा ये हम जान रहे हैं, छूना इसको ठीक नहीं है, लेकिन छू सकता है, ऐसा कुछ है। हैप्पी हैप्पी बिस्किट ले लिए, देखते हैं खाता है कि नहीं। लो खिलाओ, एक गाड़ी के नीचे आके बैठ गया यहाँ पे। आ गाड़ी हटेगा तो फिर चिपा जाएगा ये तो। भिंगा के देगा ना तब खाएगा अच्छे से। बस बस बहुत है, बहुत है। देखिए पानी मिला हमें। तो गाइस चलिए चलते हैं यहाँ से, तो पीछे आपको सैलून दिख रहा है, वहाँ से पानी मांगे तो भाई बोलता है पानी नहीं मिलेगा, यहाँ बिस्कुट उस्कुट नहीं भिंगाना, बोले कुत्ता को देना है। बट ये जो मेडिकल शॉप वाले हैं, ये भैया ने हमें पानी दिया, बोले पुण्य का काम करें। चलो यार थैंक यू, चलते अब यहाँ से। सभी फूड ब्लॉगिंग पे आ गए हम लोग, कचौड़ी भाई मस्त मिल रहा है यहाँ पे, देखिए गोला नगर में बढ़िया बनाया है। सब्जी में काबली चला है, आलू है। तो गाइज अभी आप लोग को एक चीज़ दिखा रहे हैं, जहाँ हम लोग सुबह सुबह गोला नगर मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, देखिए पेड़ को काट दिया गया था, उखाड़ के रख दिया था कैसे साइड में, उससे फिर पेड़ निकल गया है।
यहाँ देखिए, यहाँ से काट दिया गया है, वहाँ से काट दिया गया है और जड़ निकाल दिया गया है, फिर भी देखिए पेड़ निकल गया। वाह, सो गाइज ये देखो यार, आसमान क्या मस्त लग रहा है। और हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचे खाली है भाई तो आके व्लॉग बना लेते हैं। सुबह सुबह आते थे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए तो कुछ नहीं था, अभी हाल फिलहाल में इसे ऐसे पालों ने बनाया है ये सब। ये देखिए पूरा स्टील वाला है, हम लोग तो नहीं झूलेंगे भाई, बच्चा लोग के लिए। वहाँ देखिए, वहाँ पे भी लटकने वाला है, वहाँ पे झूलने वाला है, इसमें पीछे बैक सपोर्ट भी दिया हुआ है, लेकिन अभी बैठेंगे तो जल जाएगा छस करके, पूरा गर्म होगा। अभी तीन अलग अलग हाइट के बच्चों लोग के लिए बनाया गया है। वहाँ पे भी झूला, अरे उसमें चले, उसमें नहीं चलेगा। अरे भाई बहुत मस्त है ये तो, अरे बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। सुनिए ना सब, छोड़िए, वो फैन आपका मिला है। कौन है, बात करिए। कहाँ जाओगे? डिजनीलैंड हम लोग के लिए है पास। कितना बजे चलना है बोलो? खाना पीना फ्री है रोहित? ठीक है आते हैं। वो रोहित चलो चलो कूदोगे क्या? अरे शीशो भी है यहाँ पे छोटा छोटा बम्प्स रखने के लिए। अरे यार तुम्हारा तो कुछ वजन ही नहीं है। अच्छा उठते गिरते रहना। अरे भाई अरे भाई फिजिक्स काम करके देंगे दोस्तों। इसके ऊपर कौन चढ़ सकता है? ठीक है हम चढ़ जाएंगे। क्या पकड़ो तो हम चढ़ते हैं। बुझा गया ना दरिया, अब मेरा देखिएगा। चलो भाई चलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑसम। बस बस अब नीचे आ जाओ, ऊपर बैठेगा तो पाइप फिर मुँह से निकल जाएगा। ओ भाई डिज्नीलैंड जाने का जरूरत ही नहीं है यार, यहाँ तो मजा आ रहा है। आलो, आलो, आलो भाई यार चक्कर टाइप लगने लगा भाई, बहुत दिन से गोल गोल घूमे नहीं ना है, बहुत दिन से सुबह सुबह आना छूट गया है। तो आ चुके हैं यार घर, जल्दी से नहा लेते, बाल कटिंग करवाए तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। नहा गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा नया हेयर कट बताइएगा कमेंट्स में। और ये मैंने नया सनग्लासेस लिया है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया बिग बिलियन डे में से, तो इसका प्राइस 2000 था बट डिस्काउंट करके 300 में मिला, तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो ये रहा मेरा गाइस आइसक्रीम, अभी और एक कटोरी बचा हुआ है, दो कटोरी और है, एक हम खाएं, एक छोटू खाया, फिर एक हम खा रहे, तीन हुआ और एक मम्मी का यहाँ रख दिया, मम्मी बोल रही गर्म होगा तब खाएंगे, तो इंडक्शन पे चढ़ा देते हैं उसको। अच्छा मजाक कर रहे, थोड़ा और पिघलेगा तब खाएगी मम्मी। ये देखिए इतना ठंडा था फ्रिज में, 19-19 डिग्री सेल्सियस, ये कटोरा में नीचे फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। यम्मी। ये देखिए अभी टाइम हो रहा है 1:45, अभी बहुत टाइम है, खाते जल्दी से। आज तो और मजा आ रहा है, आप लोग भी खाइए यार सस्ता में, देखिए 100 रुपये में कितना हो गया। मम्मी का रिएक्शन तो लिया ही नहीं था आइसक्रीम वाला, चलिए खाइए बताइए कैसा है। बहुत ठंडा है, गला बचा, मुंह में गर्म कर लीजिए रख के थोड़ी देर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जानते हैं इतना बादाम निकल रहे हैं ना दोस्तों, मतलब देखिए अभी मैं चबा रहा हूँ, मतलब बहुत बादाम भरा हुआ था इसमें। ये मार्केट से भी लाके बना सकते हैं, बहुत अच्छा है, तो हम लोग मेला में खरीदे थे। और दोस्तों एक जरूरी बात है, बहुत ही ज्ञान वाला बात है, तो आप लोग इसे मिस मत कीजिएगा। मम्मी जैसे ठंडा बोतल वो लोग पानी फ्रिज से निकालते हैं, बोतल गिलास चाहे कुछ भी, उसके बाहर में पानी कैसे जम जाता है, उससे जो फ्रिज में बोतल में जो ठंडा पानी रहता है उससे तब पसीज जाता, भाप बन जाता है, ठंड इतना ठंड होता है कि अंदर बाहर। देखिए मम्मी का कहना है कि जैसे अंदर जो पानी होता है ना छेद से बाहर निकल जाता है, ऐसा नहीं, अच्छा। तो कहाँ से निकलता है? बोतल ठंडा इतना हो जाता है कि भाप छोड़ता है उसमें, ठंडा कैसे छोड़ता है, पानी आ कहाँ से रहा है उसपे? तो वही तो बोले बोतल ठंडा होके, ऐसा कुछ नहीं। सीधा सुनिए दोस्तों बता देते हैं आप लोगों को भी, याद रखिएगा बहुत ही सिंपल सा है ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो पढ़ाया जाता है हम लोग को, उस समय इतना समझ में नहीं आया था। सीधी सरल भाषा में कि हवा में जो नमी होता है दोस्तों, हवा में अभी भी हवा में नमी है, पानी पता नहीं चलता है, तो मान लीजिए बर्तन जो ठंडा होता है ना, तो हवा में जो पानी है ना वो जाके चिपक जाता है उसपे, ठंडा होने के कारण वो सब पकड़ लेता है, तो ठंडा होने के कारण उसे बर्फ बन के जम जाता है, तो दिखाई देने लगता है।
और गर्म रहता है नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम में टेम्परेचर में, तो हवा में जो पानी दिखता नहीं है, बस यही सिंपल सी बात है। कुल्फी जरूर खाइए जमा के। अभी जा रहे बाहर, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, फिर वहाँ पे जाके शूट करना है। जिंदगी में प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ प्यार करना गुनाह। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एक भाई ट्राई कर रहे हैं अपना ड्रोन। कितना बैकअप देता है? एक देख सकते हैं, नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, हल्का पूरा लाइट वेट है। बैकअप कितना देता है? 20 मिनट तक, मतलब कोई भी हाइट टूट सकता है। 100 फीट है मैक्सिमम। लीजिए ना, उड़ा के दिखाइए ना, काफी सुंदर है। अरे मत कर, 8000 पड़ेगा। भाई कितना बोला? 8000। ओ भाई, अरे ऊपर उड़ाई थी, बोलने की जल्दी मैं ऊपर ऊपर ब्लर हो गया। ओ कुछ होता नहीं, मैंने बंद कर दिया लाइट वेट। चलिए तो गाइस अभी हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले भाई का ड्रोन, क्या नाम है आपका? रोहित। चलिए इनका ड्रोन है भाई, देखते ट्राई करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस वीडियो में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ड्रोन उड़ाने का। इसमें कैमरा तो नहीं था, बट मज़ा बहुत आया उड़ाकर, और बहुत ही ड्यूरेबल था ये, मतलब गिर भी रहा था तो कुछ हो नहीं रहा था, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का था। ऊपर तो लीजिए। स्टार्टिंग में तो मुझे लेफ्ट राइट आगे पीछे करने में समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने ऊपर किया और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उड़ाने की कोशिश की, बाकी बहुत ही मज़ा आ रहा था यार, कंट्रोल भी बहुत मज़े आ रहे थे। तो चलिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थैंक यू रोहित भाई को ऐसा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं यार आप लोग, प्रभातम मॉल में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं एक्चुअली में? फिश बार। डॉक्टर फिश नाम है मछली का। डॉक्टर फिश मछली का नाम है। अच्छा, ये फिश स्पा लिया जा रहा है। ये देखिए मछली किस तरह से पैर में जितना भी गंदगी होता है, डेड सेल होता है, डेड सेल्स और गंदगी सब निकाल देता है ना। क्या चार्जेस है भैया इसका? 100 रुपये में 10 मिनट। बढ़िया है यार, नॉट बैड। हफ्ते में 2 बार आ सकते हैं या फिर 1 बार भी आ सकते हैं। गाइस यार अभी यहाँ पे हम लोग देखे आए थे प्रभातम मॉल, और यहाँ पर अपना यार अटेम्प्ट अपना सक्सेसफुल रहा यार। यहाँ पर बहुत ही इजीली, कीप इट सिंपल और कॉन्फिडेंस से जाइए, कहीं पे भी कुछ भी कीजिए सब हो जाता है। और यहाँ पर भी नीचे में आते समय यार फिश पा जाएगा, बहुत ही मस्त लगा भाई ये, किसी दिन हम लोग भी ट्राई करेंगे। 100 रुपये में 10 मिनट, और इससे ज़्यादा सस्ता क्या क्या ही मिलेगा आपको? टाइम नहीं होता। चलिए चलते हैं यहाँ से, अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। सो गाइज अभी हम छत पर बैठे हुए हैं, और आज पूर्णिमा का चांद निकला हुआ, बहुत ही तेज चमक रहा है। और मम्मी ने मुझे एक छोटा सा काम दिया है, ये देखिए खीर लेके बैठे हुए हम चांद के सामने, और कुछ देर रखने के लिए मम्मी बोली है, क्योंकि आज एक पूजा है। चलिए नीचे जाके मम्मी से पूछ के बताते हैं। मेरे ख्याल से शायद लक्की पूजा है, तो इसके लिए चलिए दिखाते हैं आपको। बहुत ही तेज चमक रहा है चांद, बहुत सुंदर लग रहा है, और आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। मेरे फ्रेंड ने बताया है कि ये तो चांद है, और ये है गाइस ये जुपिटर है, ये जुपिटर है और ये चांद है। तो गाइस आज है शरद पूर्णिमा, उसी के लिए हम लोग लेके गए हुए थे छत पर खीर। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही फन मज़ेदार व्लॉग रहा, बहुत ही बड़ा चैलेंज था बट कर लिए दोस्तों, पता ही नहीं चला कैसे आप, बट आप लोगों का प्यार से हिम्मत हौसला मिलता है। चलिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इसी तरह बहुत मज़ेदार वीडियोज आते रहेंगे, तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मम्मी कुछ बोलना चाहती है शरद पूर्णिमा पर? शरद पूर्णिमा है आज, खीर खाना चाहिए, वो भी चांद का उसने उसमें लगना चाहिए, और उसको खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसलिए खाना चाहिए।